इससे ज्यादा टाइम तो आपका नेटफ्लिक्स या प्राइम पर क्या देखें, यही शफल करने में निकल जाता है। गोलमाल गगन की फिल्मी कलियां। लव हॉस्टल, जो कि एक सीरीज नहीं बल्कि ओटीटी पर एक फिल्म है, जिन लोगों को उम्मीद थी कि बॉबी देओल है, सीरीज ही होगी, उनके सपनों पर पानी फेरती हुई लव हॉस्टल, ऑल अबाउट ऑनर किलिंग, खाप, इंटरकास्ट मैरिजेज, यानी जो भी कोई इंटरकास्ट मैरिज हो रही होती है शहर में, उसको सॉल्व करने पहुंच जाता है बाबा निराला। बॉबी देओल एक अनोखे निराले अंदाज के सीरियल कॉन्ट्रैक्ट किलर डागर के रूप में, डागर जो कि फिल्म कहानी का बॉब बिस्वास मैक्स प्रो लग रहा है भाई। वो कहता था बस एक मिनट, ये साहब कहते हैं इस्माइल कर तेरी बहू ने व्हाट्सएप कर दूंगा। डागर का करेक्टर काफी इंस्पायर्ड मुझे लगा है फिल्म नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के जेविर बार्डम के करेक्टर जैसा। विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा ने अपना अपना काम काफी अच्छे से निभाया जैसे डायरेक्टर चाहता था। तो 1 घंटे 40 मिनट की मूवी देखने में कोई आपत्ति नहीं है, इससे ज्यादा टाइम तो आपका नेटफ्लिक्स या प्राइम पर क्या देखें, यही शफल करने में निकल जाता है। कहीं कहीं दाल कच्ची रह गई है, ये फीलिंग आपको जरूर आएगी फिल्म से। बट लव हॉस्टल के डागर का करेक्टर ऐसा है जिसका स्पिन ऑफ भी बनाया जा सकता है। फ्री एडवाइस है, तो जाने तो। So, Love Hostel देखो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बॉबी देओल की वजह से। सदाई जय हो। ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन घंटी वाला बटन दबा दो ताकि अगली बार जब भी कोई वीडियो डालूं अपने आप पॉपअप हो जाए।